तो आरओ टेक्निकल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में मैं अरुण भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये एक आरओ लगा हुआ है जो कि हमारा है एक्वा श्योर एक्वा गार्ड कंपनी का। और ये मॉडल जो है ये हमारा सील्ड मॉडल है आरओ यूवी एमपी प्लस एमटीडीएस। अब इसमें रिक्वायरमेंट थी कि हमें एक एल्कलाइन कार्टेज लगानी है। अब ये मॉडल क्योंकि छोटा है और यहाँ पर ये जो आरओ लगाया गया है ये स्पेस के अकॉर्डिंग यही आरओ आ सकता था, यही साइज का, क्योंकि यहाँ इतनी चौड़ाई नहीं है कि यहाँ पर कोई दूसरा ज़्यादा चौड़ा आरओ आ पाए। तो अब एल्कलाइन भी लगाना है, लेकिन एल्कलाइन हमें लगाना है फुल साइज का, हमें एल्कलाइन पानी भी चाहिए। तो उसके लिए ये जुगाड़ किया गया है हमने। इसमें जो जुगाड़ किया आप देख सकते हैं, ये जो फाइनल पानी जो हमारे अंदर अंदर मशीनरी के अंदर जो टैंक के अंदर जाता है पानी, उस पाइप को हमने टैंक में ना दे के बाहर निकाल दिया है। बाहर निकाल के वही वाला पानी हमारा जो फाइनल पानी जो जाता है वो हमारा ये एल्कलाइन में हमने दे दिया। आप देख सकते हैं ऊपर हमने क्लैंप्स वगैरह लगा के एल्कलाइन लगा दी। ये बायो प्लस की एल्कलाइन है पूरी, और बायो प्लस के एल्कलाइन के बाद जो है उसका आउटलेट हमने फिर वापस आरओ के अंदर दिया। ये साइड से आपको दिखाना चाहेंगे, ये साइड से हमारा अंदर आ गया, आप ये देख सकते हैं। और वही वाला पानी हमारा एल्कलाइन होता हुआ टैंक के अंदर आ रहा है। तो अब आपको दिखाते हैं कि पानी एल्कलाइन बन रहा है या नहीं बन रहा है, किस टाइप का पानी आ रहा है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई हमारे आरओ में स्पेस नहीं होता, हमारे आरओ में जगह नहीं होती कि भाई हम बड़ा फुल साइज का एल्कलाइन लगा पाएं, या अगर छोटे साइज का भी लगाना चाहें तो वो लग नहीं पाता। तो आप ऐसा जुगाड़ कर सकते हैं, और अगर आपको अरुण जी से ऐसा कोई जुगाड़ चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा पानी आपको दिखाना चाहेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर का ये हमारा पानी हो गया एल्कलाइन लगाने के बाद। जबकि इसका न्यूट्रल पानी अगर वैसे देखा जाए तो पानी या तो हमारा न्यूट्रल रहेगा या फिर हमारा नेचुरल वाटर आएगा। नेचुरल मतलब पानी का पीएच जो 7 ही रहेगा, ग्रीन कलर का। ये आप देख सकते हैं, ये डायरेक्ट पानी लिया गया है। इसका कलर आप देख सकते हैं, ये अभी क्योंकि थोड़ा सा पानी हमारे इसमें एल्कलाइन मिक्स था, तो अब आपको एक बार और लेके दिखाते हैं इसके अंदर। ये न्यूट्रल पानी ही रहता है। और अगर आपको भी कुछ ऐसा जुगाड़ वगैरह चाहिए कि भाई हमारे आरओ में स्पेस नहीं है, हमें एल्कलाइन पानी भी चाहिए, तो आप ऐसा जुगाड़ कर सकते हो। पूरा सेटअप हम आपको बना के दे सकते हैं, आप हमसे संपर्क कीजिए। और ये आप देख सकते हैं, कुछ पानी हमारा जो पहले का जो इसमें भरा हुआ था वो एल्कलाइन था, तो इसलिए थोड़ा सा वो शेड आ रही है, ग्रीनिश शेड आ गई है, लेकिन वो जो पर्पल शेड जो आती है वो चीज़ इसमें आरओ में एल्कलाइन लगने के बाद ही आई है। तो ये देख सकते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन जुगाड़ किया गया है। और छोटे आरओ में जगह नहीं होती तो इस टाइप से फिटिंग कर सकते हैं। और ऐसे बहुत से ऐसे सेटअप्स वगैरह हमने बना के दिए हैं कि भैया ठीक है, आपके पास अब आरओ तो चेंज कर नहीं सकते हैं ना, और जगह भी हमारे पास उतनी है, तो अब उतनी जगह में हमें कोई जुगाड़ करना है, तो यहाँ पर जुगाड़ के लिए हमारे पास स्पेस था, तो हमने ये जो है इसमें एल्कलाइन लगा दिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई नया आरओ वगैरह चाहिए, अगर आप कुछ ये जुगाड़ वगैरह चाहते हैं, तो पूरा सेटअप हम जुगाड़ बना के आपको दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।